लोग को हम जो है अभी अभी हम लोग का पंचायत का बारे में आप लोग को हम लोग का जो पब्लिक का दुरुदी आप लोग का दुरुदी पब्लिक को जानने के लिए आज जो आया है आप लोग को ये टाइम में आप लोग को मानता हूँ। और इसी में एक तो डीसी कल हम लोग को पंचायत का बारे में हम लोग का जो ये लोकल बॉडी गवर्नमेंट का साथ में हम लोग का जो जो पहले हम लोग का पंचायत राज चलते रहा तो उसका बीच में अभी एक ऑर्डर निकाल दिया तो उसका ऑर्डर से तो हम लोग तो मानता नहीं है। तो इस हिसाब से हम लोग तो बहुत पहले से हम लोग का यहाँ बेचने वाला आदमी है किपी तेल को हम लोग का बिना पैसे बिना ये कॉम्पेंसेशन में हम लोग को दिया। तो उसका बाद में हम लोग का जितना जमीन था जितना ईटानगर वाला तो हम लोग का जमीन था हम लोग का 61 से हम लोग का इधर सेंसस है 71 में भी सेंसस आया। तो इसी हिसाब से हम लोग तो बहुत पहले से हम लोग का जितना ये 3-4 ग्रेड आ गया माने जितना हम लोग का हिस्ट्री में बोलने से जो अभी मूव टू में भी तो हम लोग का बस्ती था और जो गवर्नर का जो इता पोत है हम लोग का बस्ती था उसका बाद में जो पील पब्लिसिटी था वो हम लोग का बस्ती था और जो जितना मूव वन था वो भी हम लोग का बस्ती था उसका बाद में जो ये औरंगाबाद स्कूल है वो हम लोग का बस्ती था। तो अभी जो ये कटिंग हिल था वो भी हम लोग का बस्ती था अभी जो आप लोग का रेडियो सेंटर वो था वो भी हम लोग का बस्ती था उसका बाद में जो ये का और जो हम लोग का अभी लेक का एरिया में वो जो है सोलो पुतुआ वो भी हम लोग का बस्ती था। तो उसका बाद में मोइन है हम लोग का बस्ती था। तो उसका बाद में जितना हम लोग का इधर से हम लोग अरुणाचल को डेवलपमेंट करने के लिए हम लोग दिया है ज़मीन को देने का बाद में अभी इतना 43 ईयर्स हम लोग इधर ये हम लोग का चल करके आया है। तो आज आ करके हम लोग को ऐसे माने हम लोग का ऊपर में माने हम लोग ज़मीन दिया जितना आप सोर्स को दिया देने का बाद में हम लोग को आज इतना टाइम में ऑर्डर निकल करके हम लोग को ये फॉरेस्ट एरिया है ये रिजर्व फॉरेस्ट है ये वाइल्ड लाइफ लैब का है बोल करके हम लोग को अभी ऐसे टेल रहा है। तो उस टाइम में जब दिया था तो इसमें तो पब्लिक हेयरिंग करना था अभी आप लोग गवर्नमेंट है तो पब्लिक हेयरिंग को हम लोग को दिखाओ पब्लिक हेयरिंग का जगह है। तो अभी जितना हम लोग का ये एरिया है हम लोग का ये पंचायत का एरिया है अभी उसी हिसाब से तो अर्बन भी तो हम लोग को तो पंचायत एरिया को खत्म करके उसमें भी तो हम लोग को तो मैप बना करके दिया है ये पंचायत एरिया है ये तो इसमें और जो टाउन प्लान भी हम लोग को बना करके दिया है। तो आप लोग का ऑर्डर का जो 1987 का जो 78 का जो ऑर्डर है उसमें भी तो आप लोग का हिसाब से एक बार ये पूरा रिजर्व एरिया का पूरे रिजर्व एरिया डिक्लेयर किया उसका बाद में वो डिक्लेयर करने का जगह में भी तो हम लोग का बस्ती का नाम है उसका जितना बस्ती का नाम इधर में है उसका बाद में दो तीन महीना का बाद में इसमें ये एक डिक्लेयर कर दिया ये आधा वाइल्ड लाइफ एरिया बोल करके डिक्लेयर किया। तो वाइल्ड लाइफ एरिया रहने का टाइम में भी तो हम लोग का बस्ती तो था तो उसका बाद में वो रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर किया रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर करके उसका बाद में वाइल्ड लाइफ को किया। तो अगस्त तो जो 16 में एक ऑर्डर निकल दिया वो एक ये गवर्नर ऑर्डर किया है तो गवर्नर जब ऑर्डर किया है तो वो जो टाइम में वो जो किया है तो उसमें हम लोग को बोला है ये एरिया इतना एरिया को हम लोग का एडमिनिस्ट्रेशन ये जो किपी तेल का लिए हम लोग का ये आर्मी डेवलपमेंट करने के लिए एक ऑर्डर निकला है। तो आप लोग किस ऑर्डर को हम लोग का अभी मान करके माने अभी हम लोग का हरासमेंट देगा तो इस हिसाब से आप लोग एक को ऑर्डर को हम लोग को क्लियरली गवर्नमेंट पहले दे लो देने का बाद में हम लोग को ये जो हम लोग का लागू करना है तो लागू को भी बोलता है ये फॉरेस्ट का है आप लोग एनओसी देने नहीं सकेगा बोलता है।
को भी बोलता है ये तो किफी तेल है, आप लोग थोड़ा साइड करो बस्ती को बोलता है। हम लोग तो इतना दिन उस टाइम में हम लोग का जो ग्रैंड फादर लोग को जो वो लोग तो इतना नॉलेज नहीं था, कुछ नहीं था, तो चीज को सोच करके आजकल बोलने से नहीं होगा। कानून नियम कानून सबका पास में है। अभी ऐसे किफी तेल का बारे में ये अभी तालोपुतम और ये चीफ सेक्रेटरी दोनों तो और पीसीसी तो इस हिसाब से होने से तो पीसीसी ऑफिस भी तो पहले इवेक्शन कर लो, और नहीं होगा तो ये गवर्नर का घर को पहले इवेक्शन का। गवर्नर घर तो हम लोग का बस्ती का है, जोली का आदमी का बस्ती है, तो उसको पहले इवेक्शन करो। अभी जो अभी जो चीफ सेक्रेटरी है, चीफ सेक्रेटरी बांग्ला को इवेक्शन करो। अभी जो अभी ये असेंबली है, असेंबली को इवेक्शन करो। अभी जितना ये है मंत्री का जितना बांग्ला है उसको पहले करो, उसका बाद में हम लोग को बस्ती करो, तब हम लोग मानेगा। उसका हिसाब से तो नहीं होने से तो इसको प्रेस नहीं कर सकेगा। हम लोग आपका वेल आपका डेपो का ऑफिस को हम लोग का बात नहीं मानेगा। हम लोग उसको हम लोग पब्लिक जा करके उसको हम लोग लगेगा पुता पुता करेगा हम लोग ऐसे होने से, तो उसको पहले कर लो। उसका बाद में फोर लेन किस लिए दिया है, वेल अप एरिया में क्यों फोर लेन दिया है, तो इसको आप ये जवाब दो फोर लेन किस लिए जाना है चाहिए वेल अप एरिया है तो उसका बाद में अभी जो तालोपुतम और ये पीसीसी जो ऑर्डर निकला है जो हम लोग को प्रोजेक्ट काम नहीं करना है, इतना 43 ईयर्स हुआ था, तो इस टाइम में क्या कोई आदमी पूरा होना नहीं था, डीसी नहीं था, ना गवर्नर नहीं था, सेक्रेटरी नहीं था, ना उसका क्या पब्लिक लीडर नहीं था, तो आज इसका बात कर रहा है। तो इस हिसाब से हम तो बोला है जो होने से भी ये बात तो नहीं करना है, और हम लोग का जो काल का जो ऑर्डर है वो ऑर्डर को कैंसिल करना है, उसको कोई वापस लेना है, तो वापस नहीं लेगा तो हम लोग डेमोक्रेटिक राइट में हम लोग लड़ेगा। हम लोग जो है अभी गंदा को भी फेंकने नहीं देगा हमारा पंचायत का एरिया में। अभी जो पानी पी रहा है पानी को भी तो हम पीने नहीं देगा, जब तक तो हम लोग को इतना तक तो हम लोग को ले जाएगा जो हम लोग को हरेसमेंट देने के लिए। और इतना बस्ती आदमी को क्या है, अभी जो किपी तेल हो गया इतना सारा ये देश का आदमी आया है, डिस्ट्रिक्ट का आदमी आया है, तो हम लोग तो इसी एरिया का बस्ती को आदमी को थोड़ा कमजोरी दुख सोच कर ऐसे करने से कानून तो सबका लिए एक होता है। तो इस हिसाब से हम तो बोलता है हमारा पंचायत तो सब हम लोग का ये बात नहीं मानेगा बोल करके हम लोग का ये ब्रूम एंड वो हमारा ये 11 बात गंगा का हम लोग अभी इसको अपोज कर रहा है, उसको डीसी जैसे होने से भी उसको वापस लेना है। ये सबसे पहले तो आपका हम लोग का आज का मीडिया में इसलिए निकलना पड़ रहा है कि हम लोग तो चुपचाप में था, तो अभी जो मेरा डीसी जो हम लोग को ऑर्डर दिया उसी का मुताबिक फिर हम लोग अभी मीडिया में उसका साथ बात करना पड़ रहा है। तो सबसे पहले हम यही बोलेगा ये आपका 21 का ये होगा हम लोग का जो एक तो वो जो ये निकला है डीसी जो ऑर्डर कॉपी एक निकला है उसमें आपका ब्लेज डिक्लरेशन करके आपका लेवल पॉइंट कुछ 1 पॉइंट कुछ ये करके उन्हें डिक्लेयर करके उसमें सिर्फ आपका बस्ती का नाम आपका 6 दिया है, उसमें से बस्ती का नाम आ रहा है आपका ये तराजिली ब्लेज आ रहा है, बुरुम ब्लेज आ रहा है, सोद ब्लेज आ रहा है, गंगा ब्लेज आ रहा है, बात आ रहा है, पोमा ब्लेज आ रहा है, जोलू ब्लेज आ रहा है, और कैपिटल एरिया का उसमें आपका कुछ लेवल पॉइंट 25 स्क्वायर मीटर कुछ बोलकर दिया हुआ है। तो ये चीज़ है हमारा वन ब्रूम और लेवल बात का एज या का हम लोग पंचायत का लीडर का हिसाब उसको हम लोग टोटली ये करता है इग्नोर करता है, ये चीज़ नहीं होगा क्योंकि इसलिए हम इग्नोर करता है। आप डीसी सर या आपका चीफ सेक्रेटरी या भी हो, सबसे पहले हम लोग जहाँ तक जानता है हमारा कैपिटल में ब्लेज होकर कैपिटल आया हुआ है। हाँ, सबसे पहले ब्लेज बैठता है, उसका बाद आपका कॉपरेटर को आर्बन सार्बन भी यहाँ में डिक्लेयर नहीं हुआ था ब्लेज होकर। अभी जो हमारा लेवल बात का जेपीएम सर जो कुछ था पुरना स्त्री वो बताया है, तो हम अभी वही रिलेटेड में थोड़ा बात करना चाहता है कि डीसी सर आपसे कोई तो हम लोग दुश्मनी तो नहीं है,
से कितने सर आपसे भी कोई दुश्मनी नहीं है, एज ए हम इलेक्ट वाला लीडर है, तो हम अभी जो हम बात कर रहे हैं, मेरा ये अपना पंचायत का, अपना पब्लिक का ग्रीवेंसेस का थ्रू आप लोग को बात कर रहे हैं, ये चीज़ को आप लोग भी समझना है। फिर को ये नहीं कि ये जिला दोनों हम लोग को इंडिविजुअल लग रहा है बोलकर, ये बात नहीं है, क्योंकि हम लोग को डेमोक्रेसी दिया हुआ है, अपना राइट हम लोग प्लेस कर सकते हैं। तो आज इसलिए आप लोग का मीडिया का थ्रू डीसी सर आपको यही हम बात करना, जब से हम जीत कर आए तब से आपने बोला है कि आप लोग का पंचायत नहीं है, नहीं है पंचायत नहीं है बोलकर, आज हकीकत में, और हम तो ये सोचता है कि पंचायत है बोलकर हमारा बाप एक जीबी बनकर गुजर गया, अपना बाप जीबी था, तो जीबी का बदली अभी फिर उसका बदली में अपना भाभी को हम लोग बनाए, हम लोग पंचायत होकर जीबी इलेक्ट किया है, बिना पंचायत में कोई जीबी देता है क्या, बिना पंचायत में कोई इलेक्टेड ग्राम पंचायत कोई ये कराता है क्या, तो ये चीज़ को हम इसलिए डीसी सर कभी कभी हम उसका बात को चुपचाप सुनता है, हम वो सोचता है कि सच का पंचायत नहीं होने से हम लोग कैसा जिला बन गया और कैसा ग्राम बन गया और कैसा जिला का उसमें ब्लेज का नाम से आपका पानी पाइप आता है। आप अभी सोच लो जे जे स्कीम का ही उसमें ब्लेज रिकॉग्नाइज करके आपका आधार कार्ड लेकर स्कीम को देता है उसी का हिसाब से, तो एक एक ब्लेज का नाम से जहाँ सेंटर से आकर अप्रूवल करके यहाँ में आपका प्रोजेक्ट जो आता है, तो ये चीज़ को होने देकर आज हमारा तो तेली अभी कुछ डॉक्यूमेंट्स मेरा यहाँ में भी है, और जब भी आपका प्रॉब्लम है ये चीज़ को भी एग्जैक्टली हम लोग को अगर ऐसा है तो इस दिन हम लोग उसका साथ यही कुछ पीर बात लेकर उसका साथ में बैठे को उसका माइनूट्स भी मेरा पास होगा, कल जरूरी होगा तो वो जस्ती बात करेगा तो हम लोग उसी का प्रकार जाएगा, वो कागज़ से बात करेगा हम लोग भी कागज़ में जाएगा, ये चीज़ हम लोग क्लियर करते हैं। तो अभी ऑलरेडी पहले आपका 19 ये का भी कागज़ है, 89 का कागज़ या में हम सब या में कलेक्ट करके बैठता हुआ है, और ये सब मोर लगाया वाला आपका गवर्नमेंट ने लगाने से हमारा पंचायत तो लगाएगा नहीं है, हम लोग जो भी बोलो आप अपील करके ओ ये चीज़ को एटलीस्ट आप डीसी है तो जांच पड़ता, अरे ये सब आगे का गवर्नमेंट करके गया है, आगे का हमारा ये गवर्नमेंट लोग करके गया है, उसको हम एक नॉलेज लेने के लिए हमारा पंचायत का थ्रो हमारा या इल्दार का थ्रो या में अभी लोकल हम लोग का MLA भी है, तो MLA को भी पूछताछ करके गैदरिंग एक मास मीटिंग बैठा कर हम लोग को ये चीज़ सोल्यूशन क्या करना है नहीं करना है, हम लोग इतना शांति से बैठे, आप देखो कोरोना है बोलकर हमारा पंचायत को कुछ करने दिया नहीं है, पंचायत का जितना पैसा सैसा था आप लोग कोरोना इनिशियल आते में सब मान 14-15 आप लोग हिच कर ले गया, अभी हम लोग कुछ या पंचायत के लिए इलेक्ट करके कुछ पंचायत के लिए काम करने आए तो अभी आप हमको पोरेस का साथ पिल ला रहा है, ये क्या आप लोग के लिए माने ये मेरा जो भी यहाँ में सुनने वाला लोग आप लोग भी खुद सोचो, हम लोग कोरोना में इतना उन लोग का साथ दिया हुआ है, एक पंचायत है बोलकर साथ देने के बाद अभी हम लोग फिर अभी ये आ रहा है तो ये प्रॉब्लम में आकर हम लोग को स्कीम बनाने नहीं दे रहा है, फॉरेस्ट का ये क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए बोलता है, तो ऐसा करने से हमारा पब्लिक को कल को हम लोग क्या हिसाब से उसको हम लोग का डेवलपमेंट प्रोसेस को करा देगा, तो ये चीज़ को पब्लिक भी सुनना बहुत ज़रूरी है, तो अभी ये चीज़ में हम लोग को भटकने दे रहा है ये डीसी जो डीसी और चीफ सेक्रेटरी जो अभी खुद आपका इतना तक हमारा पंचायत को आप फॉरेस्ट रिजर्वेशन और आपका दुर्पांग फॉरेस्ट रिजर्वेशन और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर करता है तो आप लोग अभी कौन सा जगह में है ये, चलो आप इतना तक बोलता है तो अभी बड़ा भैया जो बोला है आप गवर्नर ये को हाउस को आप अभी उसको कैंसिल करो, आपका असेंबली हाउस को कैंसिल करो, डीसी सर आपका जगह को भी तो कैंसिल करो, आप अभी हमारा यहाँ में सब आपका कोऑपरेटर का क्या है हम तो मालूम, अपना विलेज का अंदर निर्जुली बोलने से आप निर्जुली का विलेज नहीं है बोलता है, लेकी का नहीं, मॉडल का नहीं है, चिंपू का नहीं है बोलता है, अरे ये होकर तो अभी कितना बार आपका वो गवर्नमेंट का हम ये समझ में नहीं आता है, ये चीज़ उसको हमारा कैपिटल डीसी को ये के लिए लॉ एंड ऑर्डर के लिए हम लोग का यहाँ में बाइफर्केशन किया है बोलता है, तो हमारा पंचायत का जितना भी है उधर जाता है, हमारा पंचायत का कोड नंबर अपना विलेज कोड नंबर पूरा होता है ना, उसमें भी कंफ्यूज रहते, दो डीसी मिलकर काम बात करके करो ना, ये ऐसा है तो ये पहले से डीसी सर तो खुद यहाँ में पढ़ कर आया वाले नरेश का पर्दाक है, वो अच्छा से जानता है यहाँ में लेकी बस्ती था, मदन ब्लेज था, पोपू बस्ती था, वो सबको अच्छा से जानता है, लेकिन सर आप ऐसा जानते हुए भी आज हम लोग को पता नहीं आप पढ़ कर हम लोग को कभी दिन या ब्लेज से निकाल देगा, सोच में था ना नहीं था वो तो हाँ मालूम नहीं है, लेकिन वो सोच है तो सर आपका बहुत ही गलत सोच है, हम लोग पहले से यहाँ में अभी आपका शायद यहाँ में फॉरेस्ट रिजर्वेशन डिक्लेयर करने का बाद भी आपका बैठने का जगह होता होगा क्योंकि आप तालाब बस्ती से बिलोंग करता है, हम यहाँ में बर्थ ऑफ बर्थ यहाँ में हुआ है, हम मरने से भी यहाँ में मरना पड़ेगा, जीने से भी यहाँ में जीना पड़ेगा, तो ये चीज़ हर कोई सोचेगा, ये हम लेदर बोलकर नहीं है,
हम लीडर नहीं होने से भी ये चीज को सोचेगा। आज हम जिला होकर बोलकर सर आपको ये चीज बात करके बोल रहे हैं, आप नहीं सोचना है, क्योंकि ये चीज हमारा हर या पंचायत का, हमारा हर बस्ती का सोच उसी में है। तो हम लोग सोचता है एक अच्छा एक राउंड टेबल में बैठकर हमारा पंचायत को कैसा करके ले जाना है आपका साथ डिस्कस करेगा सोचता है। लेकिन आप ये डिस्कस को कराता नहीं, आप ऑर्डर पे ऑर्डर देता है, आप कभी हमारा पंचायत में ई एस इरादे को आप इंचार्ज देता है, फिर आप एरोशन के लिए ये डिजिटल मैनेजमेंट के लिए किसी मैदान को देता है, तो उसको देने के बाद वो जाकर हम लोग को रूल को बताता है और रूल का हिसाब होने से उसको फिर कैंसिल करके हम तो ये सोचता है आपका साथ ऑफिसर लोग भी थोड़ा सा माने तकलीफ तो होता होगा क्या, हम ऐसा लगता है। अपना व्यू आपको गाली नहीं दे रहा है, हम अपना व्यू बता रहा है और ये चीज को हम लोग भी अभी सोचता है। तो आप उसमें जा जाकर अभी मेरा या में ऐसा पड़ रहा है, हम लोग चुपचाप अभी थोड़ा आपसे मिल बात कर काम करके थोड़ा अपना समय में पब्लिक का क्या है आपसे रिक्वेस्ट करके करेगा सोचा है। आप तो उधर पे उधर दे रहे हैं, उधर पे उधर दे रहे हैं, ये तो हम लोग सपना में भी नहीं था। हम लोग इस दिन फिर आपका साथ में बैठ कर बोला है, आप तो बोला है ये फॉरेस्ट लुक तो बहुत माने हम लोग को भी परेशान करके राह दे रहा है, अभी वही चीज को आपको परेशान कर दे रहा है, तो आप हम लोग को क्यों परेशान कर रहे हैं? अगर आपको परेशान कर रहा है, आप लोग का ब्लेज को ऐसा ऐसा फॉरेस्ट कर रहा है बोलता है, तो आप हमको आइडिया दो ना, आप हमको बताओ ना आपका ये ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, उसको नुल अपना पॉलिटिकल से या अपना पब्लिक से या अपना पंचायत से कैसा क्लियरेंस करना है वो चीज़ बताओ ना। आज सर आपको इसलिए हम लोग बोलना पड़ रहा है कि आप ये चीज़ हम लोग एक सेलेक्ट करके इलेक्ट करके हम लोग आया हुआ है, हम लोग को कुछ नहीं बोलकर आप सीधा ऑर्डर पे ऑर्डर हम लोग को तमा रहे ना, तो एटलीस्ट ये ऑर्डर देने से पहले हम ये नहीं होगा आपका कानून में लॉ में होता होगा आपका पावर होता होगा, लेकिन हम लोग का भी कुछ तो आदमी को लाइफ में सर हम तो वही बोलेगा एक चीज़ ये दुनिया में मिल बात करके जीने में अच्छा ही है। किसी और पर आप ऑर्डर देगा उसको ये करेगा, ये ऑर्डर में तो सिर्फ आप हम लोग को सारा बस्ती को दिल को हार करके रखा हुआ है, ऐसा नहीं करना है। अभी आप देखो हम बचपन से अभी इतना तक जिला तक हम बन गया, ये प्रॉब्लम कभी आया नहीं है, जितना भी बोलो ये प्रॉब्लम कभी आया ही नहीं है। हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कितना आया, गवर्नमेंट कितना आया, चीफ सेक्रेटरी को भी बोलेगा, इतना गवर्नमेंट चला गया कि इतना गवर्नमेंट आ गया, ये चीज़ को अगर एक शांति से अपना स्टेट को बैठा नहीं सकता है तो पब्लिक को यही चीज में लगड़ते रहेगा, तो सर आपका कैपिटल को कैसा करके हम लोग ये कराएगा शांति से बैठाएगा? आप लोग जैसा आइडिया देते हैं हम लोग अपना तरफ से भी एक जो पूंजी होता है अपना गवर्नमेंट का साथ देगा बोलकर हर चीज कर, आप सफाई में बोलो, कुछ में बोलो, लॉ एंड ऑर्डर में बोलो, हम लोग साथ देने के लिए कोशिश करता है। इसलिए इस दिन भी हम अपना होम मिनिस्टर को हम बुलाए, बुलाकर हम सीसीटीवी अपना अपना बस्ती में डालेगा बोला है, क्योंकि आपका साथ जो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम करता है उसका ले भी बचा हो जाता है और हमारा गार्बेज जो फेंकता है उसका ले भी बचा हो जाता है। हम कैपिटल में आकर उसमें भी आपने आया नहीं है और नहीं आकर अभी ये चीज को बोला नहीं है कि पंचायत का क्या व्यू है क्या नहीं है, उसको भी आप सोचता नहीं है, आप ऑर्डर पे ऑर्डर दे रहे सर। ये चीज मेरा हिसाब से ठीक नहीं है। हम एज है हम लोग हम बोल कर रहे हैं हम लोग का पंचायत जो इलेक्टेड है, तो हम लोग को प्लीज आप जो भी डिसीजन लेगा राउंड टेबल में बैठा कर करो ना, करने के बाद में ये पंचायत का लेवल है तो पंचायत का लेवल है तो पंचायत का आदमी को आप बुला कर कीजिए। आप जब भी होने से सिर्फ को प्रेतर और आप लोग बैठ कर बात करता है, ये चीज हम लोग पंचायत जो हजम नहीं हो रहा है और आप लोग जहाँ में बैठ रहे को प्रेतर बैठ रहे जिसे आप लोग जहाँ में बैठ रहे काल को आप तो वही है आपका पास पावर होता होगा आप फोर्स लेकर हम लोग को हमला करने देगा होगा, लेकिन हम लोग उसमें जान देने में भी कोई खराब नहीं, क्योंकि हम यहाँ से निकल कर जाने का जगह नहीं। आप अभी यहाँ में LPC को कैंसिल करेगा बोलता है, अलॉटमेंट को कैंसिल करेगा बोलता है, वो क्या हिसाब है? तब तो पहले जो हम लोग को LPC देकर गया है ये देकर गया उसका मतलब वो आपका माने इक्विवेलेंट नहीं है, माने आप उलूक से जस्ती भरा है, माने कैंसिल का ऑर्डर ही देते रहते हैं। तो सर ये हम अपना तरफ से दिल से खराब तो लगा ही है, लेकिन आप उसको मायने नहीं रखना है कि ये जिला साहब क्यों हम लोग को इतना ऐसा बात करता है। हम भी एक पब्लिक का रिप्रेजेंटेटिव होकर ये बात को कर रहा है, अपना पंचायत का रिप्रेजेंटेटिव होकर ये बात को कर रहा है, तो इसलिए उसको सोल्यूशन करें। नो उंगलम इस दिन बोला था कि उसको जाकर हम लोग सोल्यूशन लाने में काम करेगा बोला है, लेकिन काम नहीं करके आज उल्टा आप खाना साना खिलाने के बाद हमको ये ऑर्डर को तमा दिया ना, तो एज है हम आपको रेस्पेक्ट करता है, आज भी रेस्पेक्ट करता है, आपका जैसा कोई करने वाला नहीं है, तो ये चीज़ में आप क्यों गलत कर रहे हैं? तो आप जो कर रहे तो उसको आगे तक सफलता लेने तक काम करके जाओ ना। हम आप लोग अभी हम लोग दिल ही दिल में बोलता है आज तालुक कुतुम को पहले हम लोग देने से हम लोग का रास्ता सत्ता पूरा क्लियर होना था बोलकर ना, और हम लोग दिल में अभी उसको हम लोग भी डिसाइड करता है सर आप बहुत अच्छा काम कर रहा है बोलकर, लेकिन वो अच्छापन में अभी हम लोग को यहाँ क्यों मरा रहा है? अभी आप अगर यहाँ में
पहले लेकी ब्लेज, मदन ब्लेज, ईटानगर, गंगा ब्लेज, चिंपू नहीं होने से आज फोर लेन का स्कीम आना था क्या? आपका कैपिटल चीज यहाँ होना था क्या? ये चीज को तो सोचना है ना। तो पहले में आप दर्पण को रिजर्वेशन आओ सेंचुरी एयरपोर्ट है, तो पहले से आप उसको पूरा प्रिजर्व करके रखना था। क्यों प्रिजर्व नहीं करके आप अभी हम लोग को ही अभी ये समय में नो आकर उसी को हमको बात करके माने इतना ना हम लोग को अच्छा से काम करने दे रहा है, पंचायत में करने दे रहा है ना, अच्छा से आप ये कराने दे रहा है। तो इसलिए ये चीज से पहले उसको हम प्रिजर्व करके रखने से आज ये चीज होना ही नहीं था। तो अभी हम लोग का बाप का बाप, बाप का बाप मर कर अभी हम, मेरा बाप मरने का बाद हम लेदर एक आया, तो ये चीज को आप क्यों निकल रहे? तो ये चीज आपका हर किसी का साथ में लिखावत है, यही अपन का समय। मेरा बाप लोग जो जो पेपर है वो हम लोग का पास है, नो कभी ये चीज को पूछा है क्या जिला साहब आप लोग का कोई उधर में पहले जो प्रीवियस डॉक्यूमेंट्स आपका पास है क्या? अगर ये पूछने से सर ये ऐसा ऐसा था कुछ उसमें आपका ये लुक है उसमें ये ऐसा करके ये किया, ये प्रोसेस को तो हम पुलिस को भी तो बोलेगा ना, वो भी तो एक इंसान है ना। हम लोग को लागू बोलने से लगने का तो बात नहीं, हर एक चीज को तो हम सोल्यूशन में लाने के लिए बात करेगा ना। आप अभी यहाँ में पुलिस रिजर्वेशन डिक्लेयर करके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, आप लोग कौन सा यहाँ में अभी जंतु जानवर को रखता है? यहाँ में कौन सा एक पेड़ पौधा डाला है पुलिस लोग? डाला क्या? नूल कंपा कंपा बोलते रहता है वो काम है, रास्ता में कभी कभी यहाँ में ये क्या बोलता है दिखाई देता है, उसका बाद मेंटेनेंस तो नहीं है, उसको गुरु हाओ जो हाओ आदमी तोड़ो उससे तो कुछ नहीं है। अब जब वो पैसा को यूज किया है तो वो चीज को सेफ्टी के लिए भी तो यूज करो ना, तो उसको देखने के लिए भी आदमी लगाओ ना, सिर्फ ओदा सेंटर से पैसा आएगा उसको नूल दुमा दो माने हर एक डेपो को पीपी ये पुलिस लोग को भी बोलेगा। अरे हम लोग उल्टा अभी पेड़ जरूर है बोलकर बागान बनाकर रहता है अपना, ये चीज को बना हम लोग अभी खुद सोचता है। तो अभी जैसा कि आप हम लोग का पंचायत, हमारा पंचायत से अभी यहाँ में बोलने से अभी हम यहाँ में पानी पी रहे क्या? हम लोग दिल अच्छा नहीं है क्या? यहाँ में आपका न्योर्च का प्रोजेक्ट में है, आपका सारा नहर उनको पिलाता है, यहाँ में कोई बुरुम बस्ती पीता है, न्योर्च बस्ती पीता है, सोत पीता है, ना लेकी पीता है, ना मदन ब्लेज पीता है, ना निर्जुली पीता है, उसको तो आपका टाउन लोग पी रहे ना, लेकिन फिर भी हम लोग कुछ नहीं बोलता है। हाँ इंसान है तो पानी पिलाना सबसे अच्छा बात है, वो सोचकर मुँह चोर कर रखा हुआ है, लेकिन अभी आप ऐसा आप शुरू करता है बोलने से अभी हम लोग यहाँ से पानी को बंद करेगा, हाँ डायरेक्ट बंद करेगा, हाँ पंचायत में नहीं रखना है। तो इस दिन डस्टबिन फेंकने का बात भी दो कॉपरेटर का साथ में हम आर्गूमेंट हुआ, वो लोग बोलता है नूल डस्टबिन कहाँ फेंकेगा? हम बोले हम लोग चिंपू में फेंकेगा, चिंपू हम लोग का जगह है, पंचायत का जगह है, और हम बोला तो वो लोग अर्बन का जगह है। हम तब बोला देखो यहाँ में कोई पंचायत बोलकर मत बोलो, अर्बन बोलकर मत बोलो, हम लोग एक ही गुफा में बैठ रहे, उसी में हम लोग एक ही मिलकर चलने के लिए, हमेशा मिलकर चलने के लिए कोशिश करो, बाग बाग सिस्टम मत करो। अभी हम बाग बाग सिस्टम करेगा तो पानी तो आपका जितना ईटानगर में पी रहा है वो पीने मिलेगा क्या? या जितना नहर लगन में पी रहा है वो पीने मिलेगा क्या? हम लोग कुछ कुछ चीज यहाँ में जन्म हुआ है, हम लोग आदमी को कैसा साथ में बैठना है जीना है हम लोग जानता है ये चीज को, लेकिन उन लोग का साथ एक्सप्रेस नहीं करता है, हम लोग फिर भी चलेगा बोलकर हम लोग दूसरा जैसा हम लोग ये हमारा चीज है बोलकर हम लोग या कभी आप लोग मीडिया है कभी हम लोग ऐसा किया है बोलकर सुनाई दिया है क्या? लेकिन अभी सुनाई देगा, अगर ये फॉरेस्ट का बारे में हम लोग को इतना तक करता है तो ना अभी सुनाई देगा। उसमें आप लोग हम लोग को लॉ एंड कानून में मारो पितो जियो, मरने में कोई नहीं, जब हमको जमीन नहीं तो हमको मरने में क्या जाता है, कोई बड़ा बात नहीं ना। तो एज ए जिला होकर क्यों ऐसा बात किया है बोलकर चीफ सेक्रेटरी आप माइंड नहीं करना है, हमारा कैपिटल डीसी माइंड नहीं करना है, क्योंकि आपका ये चीज को आप जल्दी से जल्दी कैंसिल करा दीजिए। कैंसिल करा करके हम लोग जो चीज़ हम लोग का डिमार्केट करके लाया हुआ है हम लोग उसको आपको तमा देगा, आप लोग उसको हम लोग को पंचायत जितना है उसको तमा देगा, वो चीज़ के लिए आप लोग काल को विचार कीजिए। अगर सही विचार करता है तो पंचायत भी आपका साथ होगा, गलत विचार करेगा तो पंचायत भी आपसे गलत, तो वैसे हम लोग माने ये चीज़ को करना पड़े, क्योंकि डेमोक्रेसी अपना जीने के लिए हम लोग को कुछ भी अपना राइट के लिए कुछ भी करना पड़ता है। तो हम सोचता है लास्टली वही हम अपील करेगा आप लोग का मीडिया का थ्रो, आप सभी हमारा बात सुना है, हमारा पंचायत के लिए आया है आज, दिल से आप लोग को थैंक्स देता है, क्योंकि हम भी नहीं सोचता है कि अपना कैपिटल डीसी का साथ तू तू में करके जीना है बोलकर हम नहीं सोचता है, अपना चीफ सेक्रेटरी का साथ वो सब चीज़ करके हम जीना नहीं सोचता है, क्योंकि हम उससे मिलकर हमारा पंचायत में क्या तकलीफ है, उन लोग से उल्टा हम मदद लेकर पंचायत को डेवलप करने के लिए सोचता है, हम ये आर्गूमेंट में जाना नहीं सोचता है। और उसी में हम क्यों बार बार ये चीज़ को हम लोग बात करते रहेगा, अभी खुद देख लो आदमी को भी एक जीने का जगह चाहिए, रहने का जगह चाहिए, अच्छा से बैठने का जगह चाहिए, वो तो सोचना उन लोग का दूती है, लेकिन हम ये सोचकर आज भी अपील करता है सर ये चीज़ को आप प्लीज़ हम लोग जो बात बोला भी तो आप दिल में रखना नहीं है, एज ए यहाँ का बर्थ है और ऊपर से एक लेदर है सबका वन बुरुम का, हमारा यहाँ में लगभग 3000 एबव पॉपुलेशन है वोटिंग राइट सिर्फ
उसका बाद बाल बच्चा को तो हम लोग गिना नहीं है। तो वो सबका माने विचार को व्यू को लेकर आपको अपील कर रहा है, ये चीज को लेकर आप लोग फिर हंगामा नहीं करना है। इसलिए सभी मीडिया पार्टनर लोग को ये प्रतिनिधि लोग को आप लोग को तहे दिल से थैंक्स देता है। बस इतना में हम समाप्त कर देते हैं। थैंक यू।